हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं योर इंडियन एचआर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉट के करियर के बारे में। क्या होता है एस्ट्रोनॉट, कैसा होता है करियर, क्या होती है सैलरी, सब कुछ इसके बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, हम में से आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका सपना होता है अंतरिक्ष में क्या चल रहा है, तारों को देखने का, सैटेलाइट को देखने का, वायुमंडल कैसा है, पृथ्वी कैसी दिखती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम जानना चाहते हैं, हमें बहुत उत्सुकता होती है और इसलिए हम एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं और वहाँ पे जाके हम सारी चीज़ें देखना चाहते हैं, उनको जीना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे, कैसा होता है करियर, क्या करना होता है, किस तरह का प्रोसीजर होता है, सब कुछ बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि होता क्या है एस्ट्रोनॉट, क्या है एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री क्या होता है। दोस्तों, जब हम कोई इंसान पृथ्वी से वायुमंडल या अंतरिक्ष में जाता है वो एस्ट्रोनॉट या अंतरिक्ष यात्री कहलाता है, जो किसी रॉकेट या स्पेस शटल द्वारा, अंतरिक्ष विमान द्वारा अंतरिक्ष में जाता है और वहाँ पे चीज़ों का अध्ययन करता है, वहाँ पे मेंटेनेंस करता है। बहुत सारे काम होते हैं अंतरिक्ष यात्री के, बहुत सारे काम होते हैं वहाँ पे, रिसर्च करना, मेंटेनेंस करना, शिप की मेंटेनेंस करना, सैटेलाइट को देखना, उसकी मेंटेनेंस करना और भी बहुत सारे काम उसके जिम्मे होते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि एक एस्ट्रोनॉट बनना आसान नहीं है, बहुत ही मेहनत चाहिए होती है, आपके अंदर बहुत सारी योग्यताएं होनी चाहिए। आप बौद्धिक क्षमता और शारीरिक क्षमता बहुत ज़्यादा मायने रखती है, फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर 99.9% आपके अंदर फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ होनी ही चाहिए, तभी आप वायुमंडल या अंतरिक्ष में सर्वाइव कर सकते हैं। तो आ जाते हैं क्वालिफिकेशन पे। तो क्या होती है क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। दोस्तों, ग्रेजुएशन डिग्री साइंस स्ट्रीम में मैथ और फिजिक्स के साथ होनी ज़रूरी है और इसी के साथ अगर आप कोई एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो ये एक एडेड एडवांटेज होता है, काफ़ी यूज़ होती है और बहुत ज़्यादा आपको प्रेफरेंस भी दिया जा सकता है। अगर आप एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं, आपने फ़्लाइट चलानी सीखी है, तो ये भी एक एडेड एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि जब कोई फ्लाइट होती है या जो आप ट्रेनिंग लेते हैं फ्लाइट उड़ाने की, उसमें जो वातावरण बनता है जब आप ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, तो वो थोड़ा सा स्पेस के वातावरण से बराबर थोड़ा सा हो जाता है, तो वो आपको आगे चल के बहुत काम करता है, बहुत एडवांटेज आपको मिलता है। दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि एस्ट्रोनॉट बनने के लिए पायलट होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। हाँ, अगर आप पायलट हैं, आपने ट्रेनिंग ले रखी है, आपने फ्लाइट उड़ा रखी है, तो वो काफ़ी एक एडेड एडवांटेज आपको एस्ट्रोनॉट बनने में मिल जाता है। तो दोस्तों, ग्रेजुएशन के साथ साथ और क्या योग्यताएँ होनी चाहिए एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ पे। आपकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे आप अंतरिक्ष में जाकर सर्वाइव कर सकें, क्योंकि दोस्तों, जब तक आप फिट नहीं है, 99% अगर आप फिट नहीं है, तो आप वायुमंडल या अंतरिक्ष में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटल फिट और फिजिकल फिट। तो दोस्तों, अगर आप इंडिया में हैं तो केवल एक ऑप्शन आपको मिलता है, इसरो। हालांकि इसरो अभी एस्ट्रोनॉट को वायुमंडल या अंतरिक्ष में नहीं भेजता है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में, 5 से 10 सालों में, हो सकता है कि वो एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजना शुरू कर दे। हो सकता है 2025 तक एस्ट्रोनॉट जाने लगे अपने इंडिया से भी इसरो के द्वारा। आ जाते हैं नेक्स्ट, दूसरा ऑप्शन जो होता है वो है नासा, जो एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी है नासा। इसके द्वारा आप एस्ट्रोनॉट बनकर इजीली जा सकते हैं, लेकिन ये इतना इजी भी नहीं है जितना दिखता है। नासा की भी कुछ शर्तें होती हैं, कुछ नियम होते हैं, उनको पूरा करने के बाद ही आप एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं और अंतरिक्ष में जा सकते हैं। हमारे इंडिया से भी 3 इंडियंस नासा के द्वारा अंतरिक्ष में जा चुके हैं। तो नासा का जो सबसे पहला रूल है, वो रूल थोड़ा सा हार्ड है, वो है आप US यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीज़न होने चाहिए। अगर आप वहाँ के सिटीज़न हैं तभी आप एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं और अंतरिक्ष में जा सकते हैं नासा के द्वारा। अब आप कहेंगे कि सिटीज़न हम कैसे बने, हम तो इंडियन सिटीज़न हैं।
तो कुछ उसके भी प्रोसेस होते हैं, आप चाहें तो अगर आप उसके लिए काफ़ी सारा पैसा लगता है, काफ़ी सारा सोर्स लगता है, आप सिटीज़न भी बन सकते हैं लेकिन उसके लिए बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा लगता है। तो दोस्तों नासा कैसे भेजता है, नासा क्या करता है, हर कुछ सालों में कुछ ट्रेनिंग सेशन शुरू करता है US में एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। उसमें से वो काफ़ी सारे बंदों का चयन करता है, लगभग अभी उसने 18,000 कैंडिडेट का चयन किया, उसमें से केवल 7 या 8 कैंडिडेट को ही उसमें सेलेक्ट किया गया। काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग होती है, काफ़ी हार्ड प्रोसीजर होता है। तो दोस्तों पहला स्टेप तो हो जाता है कि आप सिटीज़न होने चाहिए, दूसरा हो जाता है स्टेप कि आप ग्रेजुएट हैं मैथ या साइंस स्ट्रीम के साथ, मैथ और फिज़िक्स के साथ ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग सेशन शुरू ये लोग करते हैं हर कुछ साल के अंतराल पे। ट्रेनिंग सेशन एस्ट्रोनॉट बनने के लिए शुरू किया था जिसमें 18,000 अप्लीकेशन उनके पास आई, उसमें से केवल 8 लोग ही चयनित किए गए, 8 लोग ही सेलेक्ट किए गए। उन 8 लोगों को ट्रेनिंग दी गई, ये 1 या 2 साल की ट्रेनिंग होती है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड कोर ट्रेनिंग होती है। जितना आप स्टडी करते हैं अगर 8 घंटे करते हैं तो इसमें जो स्टडी होती है 12 घंटे की होती है, बाकी जो आप नींद लेते हैं और उसमें पूरा आपको ध्यान लगाना होता है स्टडी पे, और जो भी ट्रेनिंग आपको दी जाती है फिजिकली और मेंटली फिट आपको बनाया जाता है। उसके बाद आप एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं और अंतरिक्ष में आप वायुमंडल में जा सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। आ जाते हैं अगर आप सैलरी जानना चाहते हैं तो क्या होती है सैलरी, तो सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, जैसे कि काम भी इनका काफ़ी जोखिम भरा होता है, सैलरी भी उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। 50 लाख से लेकर 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए सैलरी इनको आराम से मिल जाती है। काफ़ी अच्छा करियर है लेकिन जाना इसमें थोड़ा सा टफ है। तो आने वाले सालों में अगर आप अभी से स्टार्टिंग करते हैं तो आने वाले सालों में इसरो अंतरिक्ष में अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं ये कब होता है, कैसे होता है। तो दोस्तों ये तो था वीडियो आज का कि कैसे आप एस्ट्रोनॉट बने। दोस्तों मैंने कुछ वीडियो और बनाए हुए हैं एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग पे, एरोस्पेस इंजीनियरिंग पे, उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे वीडियो हैं। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को लाइक कर दें वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो, और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे मेरे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।